नमस्ते किशन भाइयों, राखी बैबल बेर नर्सरी से स्वागत है। ये दोस्तों, ये कश्मीरी बेर का जो प्लांट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा गौर से ये वीडियो देख लीजिए। कुछ हम जानकारी देंगे, अगर आपका पौधा इस तरह सा हल्का है, पौधा इस तरह का अगर बिल्कुल हल्का है, तो प्लांटेशन करने के बाद जो है एक महीने के बाद ये बैंडेज, एक महीना या तो फिर 3 हफ्ते के बाद ये बैंडेज निकाल दीजिएगा। ये जो नीचे बैंडेज की गई है ना, आप जब प्लांटेशन करेंगे यहाँ तक खड्डा खोदेंगे नीचे, यहाँ तक खड्डा खोदने के बाद डाल देंगे, यहाँ के दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ तक सॉरी, यहाँ तक आप मिट्टी से नीचे ढक देना होगा, ठीक है। यहाँ से जो इसके बाद यहाँ से 3 हफ्ता बाद बैंडेज यहाँ से निकाल दीजिएगा, ठीक है। निकालने के बाद जो है फिर यहाँ से आपको कटिंग करना है। किस तरह कटिंग करना है मैं दिखाता हूँ। अरे छोटा मैं, इसीलिए इसमें कट्टा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है यार। यहाँ से ये कटिंग करना पड़ता है, ठीक है। इधर देख लीजिए, मैं कटिंग कर रहा हूँ। एक किसी कटर के सहायता से आप इसे काट कर लीजिएगा। मैं दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। थोड़ा कुछ इस तरह का आपको आ जाएंगे, ठीक है। ये जो कुछ इस तरह से आपसे आ जाएंगे, हालांकि ऐसे ही बिल्कुल आएंगे, ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद जो है आप इसको अच्छी तरह से पानी पानी डाल दीजिएगा, देख लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही आधा इंच काट के देख लीजिए प्लांट। आप यहाँ से जो देखते हैं ना, यहाँ से बिल्कुल आपको स्टिक स्टिक ब्रांच निकलेगा ऐसा। लगाने का बाद 3 हफ्ते बाद इस बैंडेज को निकाल देना है, ठीक है, ये पहले ध्यान रखिएगा। और हमने जो काटिंग किया है यहाँ पर देख सकते हैं, आधा इंच काटिंग किया है, ठीक है। ये जो काटिंग वाला था ये देख लीजिए, ये है काटिंग, ठीक है। ये कश्मीरी एप्पल बेर का प्लांट। और इस तरह से पूरा उसका बाद क्या करना है, पूरा पानी देना होगा। एक दिन पानी देना होगा। जिसने मेरा ये मेरा से पौधा लिया है, मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते वर से, तो ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद चारी साइड से आपको स्टिक यहाँ से ब्रांच निकलेगा, चारी साइड से ब्रांच निकलेगा। ये नीचे की तरफ 2 पत्ता रखने के बाद जो कोई इधर से कटिंग करता है, इधर से मत कीजिएगा, ठीक है। और जो ट्रेन से टूट जाता है, ये अगर बिल्कुल नहीं रहता है तो इस साइड से ये आपको ब्रांच निकलेगा। इसीलिए मैंने यहाँ से 2.5 इंच रख दिया है, उसके बाद पूरा ऊपर से कटिंग किया है, जो नॉर्मल जो हल्का सा जो है ये देखिए। अगर इस तरह का पौधा हो जाएगा, हल्का जगह हो जाएगा, तो आप उसको काट कर दीजिएगा। काट करने के बाद वो नया ब्रांच निकलेगा, यहाँ से नया ब्रांच निकलेगा, तो यहाँ से स्टेक निकलेगा, ठीक है दोस्तों। और पानी एक दिन पानी डालना है। अभी खाद फाद कुछ मत डालिएगा प्लांटेशन जब करेंगे खड्डे में, कुछ खाद यूज़ मत कीजिएगा, मैं पहले आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोग खाद डालते, बट खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको अभी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय भारत, जय किसान।